है आपका SPN 9 न्यूज में, मैं हूं आपके साथ श्रुति। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, कई प्रदेश के यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इसी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। ये जो रैली है, भारत बचाओ रैली, इसमें सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया और इसमें मोदी सरकार को निशाना मोदी सरकार पर निशाना साधा। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर मोदी सरकार पर हमला बोला और इसी के साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि जो भारत बचाओ रैली है वो दिल्ली से निकलकर पूरे देश में जाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के लिए जो मोदी सरकार के पास जो ये बेरोजगारी की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, वो उन तक पहुंचे और इससे नौजवानों को उजागर किया जा सकता है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या कितनी है। इन सब बातों को लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और अर्थव्यवस्था, GDP, बेरोजगारी जैसी समस्या पर मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, सचिन पायलट ने कहा। इसी के साथ ही बता दें आपको कि सरकार पर जोरदार हमला किया है इन मुद्दों को लेकर। वहीं ये भी कहा है कि जो किसानों की लड़ाई है उसे यहाँ पर, उस मुद्दे को भी यहाँ पर सचिन पायलट ने उजागर किया और इसी के साथ ही इस जनसभा को सचिन पायलट ने संबोधित किया। आप भी देखिए इस वीडियो में। जी, आदरणीय प्रियंका जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज भारत बचाओ रैली में देश के कोने कोने से आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस महान विशाल रैली का आयोजन किया गया है। भारत बचाने का नारा रामलीला मैदान से निकलकर पूरे देश तक जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की है। आज देश के संविधान के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आक्रमण ये केंद्र की सरकार कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सबको मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के नेतृत्व का कि आज ठीक समय था। चुनाव होने के बाद आज जनता उम्मीद करती थी कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जो लोग आज शासन में बैठे हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर प्रहार किया है, चोट की है किसान के साथ, नौजवान के साथ, बेरोजगारों के साथ। बहुत उम्मीदों के साथ जनता वोट देकर सरकार बनाती है और जब सरकार देश में बन गई, आज एक ऐसी सरकार बनी है जो हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर सिर्फ कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाखों लोगों का जो आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से बोलना चाहता हूं कि आज यहां से आह्वान करें कि दिल्ली के बाद पूरे हिंदुस्तान में जाकर कांग्रेस और आमजन को खड़ा करें, एकत्रित करें, ताकि नौजवान किसान की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे खासकर राजस्थान से जो हजारों हजार लोग यहां पर आए हैं, आपने इस कामयाब रैली को अति कामयाब बनाया है। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए और भारत बचाओ रैली का आज जो एक कामयाब आयोजन हम लोगों ने किया है, ये आने वाले समय में बहुत ताकत हम लोगों को देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।